होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दौरान लोग लकड़ियां, झाड़, उपले इत्यादि जलाकर होलिका दहन मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन के बाद होलिका की जो राख होती है वो काफी फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि होलिका के दिन कई प्रकार का टोना टोटका भी किया जाता है और होलिका की राख से कुछ टोटके कर जीवन में आ रही कई परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। ज्योतिषियों की माने तो होलिका की राख से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, परिवार की उन्नति की जा सकती है, अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं उसे मिटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उस होलिका की राख से राहु केतु की महादशा को दूर किया जा सकता है, कामकाज में आ रही बाधाओं को भी समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इस राख से एक छोटा सा उपाय करके धन आगमन को भी बढ़ाया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि होलिका दहन के बाद जो उसकी राख बचती है, अगर उस राख को पूरे घर में छिड़क दिया जाए तो यह काफी फायदेमंद होता है। होलिका दहन में भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान साक्षात विष्णु भगवान किए हैं। साक्षात नारायण भक्त प्रहलाद का रक्षा करते हुए सभी भक्तों का कल्याण किए हैं और ढूंढा राक्षसी को जला दिया गया है। इसलिए कहते हैं भस्म धारण विष्णु का चरण का रज है और राक्षसी का भस्म है। इसलिए करके चैतन्य महाप्रभु का चैत महीना प्रारंभ होने से भस्म धारण करने से होलिका सर्वत्र मनाया जाता है। उस राख का इस्तेमाल कैसे करें, उसको होली में गुलाल की तरह इस्तेमाल करें या देवताओं पर अर्पित करें? ज्योतिषाचार्य ने बताया कि होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क देने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और आपसी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। होली के भस्म को अगर शरीर पर लगाकर स्नान किया जाए तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगर होलिका की राख को एक मुट्ठी लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो राहु केतु के महादशा को भी दूर किया जा सकता है। साथ ही अगर उस राख को एक सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दिया जाए तो धन आगमन के स्रोत खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि होलिका की राख को अगर एक महीने तक किसी बीमार व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन तिलक के रूप में लगाया जाए तो उसे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगर राख में नमक और राई मिलाकर घर में किसी गुप्त स्थान पर रख दें तो घर में होने वाली सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है और सभी बाधाओं से बचा जा सकता है। तो होली के दौरान होलिका दहन के बाद बची राख से ये सारे उपाय कर आप भी अपने जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लोकल टीम के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।